बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग उर्फ सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने कोर्ट से शालिग्राम की न्यायिक हिरासत की मांग की है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शालिग्राम को जमानत दे दी है। बता दें कि शालिग्राम गर्ग पर पुलिस ने 9 दिन पहले FIR दर्ज की थी। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह सिगरेट पीते हुए और हाथ में कट्टा लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमकाता हुआ नजर आया था। पुलिस ने SC ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। वकील शिव प्रताप सिंह ने बताया कि शालिग्राम गर्ग और राजा राम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। यहां दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25-25 हज़ार रुपये के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। आरोपी का नाम शालिग्राम है। क्या आदेश क्या हुआ है अभी? आदेश ये हुआ है कि उनको जमानत पे बॉन्ड पे छोड़ा जाता है और बाकी केस उसका ट्रायल पे चलेगा। दोनों के ना? हाँ, दोनों आरोप। दोनों को जमानत मिली? हाँ, दोनों को। कट्टा किसने पुलिस से दिखाया था? आप साहब जो कट्टे की जो जानकारी है जो थोड़ा सा चार्जशीट पढ़ के ही बता पाएंगे। पीड़ित पक्ष का क्या कहना है? आप पीड़ित पक्ष ने भी आपत्ति दी है लेकिन उसने पुरजोर तरीके से कोई लिखित आपत्ति पेश नहीं की थी और कहीं ना कहीं इसका लाभ आरोपी पक्ष को मिला। अब सुनवाई कब होगी? आप सुनवाई जो भी डेट डिसाइड होगी उसके बाद से जब चालान आलान पेश हो जाता है उसके बाद ही उसमें सुनवाई की जाएगी।